हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और अपने घरों में होंगे। तो जैसा कि टाइटल देखे समझ में आ गया होगा, तो आज मैं आप सबके सारे कमेंट का और अपनी लाइफ का जो बातें हैं ना, वो शेयर करूँगी। मायके क्यों नहीं जाती। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो अभी मैं नहा के आई और मैंने सोचा कि पहले पूजा वगैरह अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं क्या होता है ना कि सुबह ही नहा लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि 7 बजे तक मेरा ये सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अभी पूजा हो गया तो मैं अपने वहीं हस्बैंड जी के पास जा रही हूँ पूछने के लिए कि आज नाश्ते में क्या बनेगा, क्योंकि देख रहे हैं ना एकदम सुबह का मौसम है। अभी थोड़ा सा बादल भी हैं, तो वो जो है वो हमने अभी आज टमाटर लगाए थे और गोभी भी लगाई थी, तो वही जो है वो देख रहे थे कि मतलब घास वास होती है ना। अभी तो घास तो हमारे घर में अभी साफ़ किया था, बट अभी निकल गई हैं थोड़ी सारी, थोड़ी नहीं बहुत सारी निकल गई हैं। तो वही मैं पूछने चली गई थी कि नाश्ते में क्या बनेगा, तो फिर उन्होंने बताया तो मैंने सोचा चलिए फिर मैं मिलती हूँ अभी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और 6:30, और अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था तो चलो पहले वीडियो ही बना लूँ। मैं अक्सर ऐसा नहीं करती हूँ, मेरी वीडियो जो है वो शाम को ही बनती है और शाम को ही आ जाती है, क्योंकि मुझे पूरे दिन, मैं नहीं चाहती मेरी वीडियो की वजह से कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टर्ब हो। तो अगर मैं जब से मतलब मुझे 6 महीने हो गए लगभग यूट्यूब पर, और जब से मैं यहाँ पे हूँ, एक दो सवाल बहुत ज़्यादा, एक मेरे शादी को लेकर और दूसरा मेरे मायके को लेकर कि आप मायके क्यों नहीं जाती, कोई आज तक आपके चैनल पे कभी मायके का क्यों नहीं दिखा। तो मैं वो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। मायका जो होता है ना वो आपकी माँ से ही होता है। एक माँ होती है जो समझती है कि आप जब भी जाते हैं, और मैं जब भी जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं अपनी मम्मी को। मैं बहुत कम गई हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कम गई हूँ अपने मायके। और मम्मी मेरी है नहीं, जो लोग बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे बिना एकदम माँ होती है ना कि अपनी बेटी के लिए मरती रहती है। अगर आप ना बुलाओ तो भी वो झगड़ा करती रहती है, चिल्लाएंगी, बोलेंगी, समझाएंगी, और वो फीलिंग्स को समझती है कि कितना ज़रूरी होता है एक लड़की के लिए मायका। और आप सब ये जब कमेंट करती हैं कि आप मायके क्यों नहीं जाती, आपके मायके से क्यों नहीं आता कोई, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा दुख होता है, मुझे भी दुख होता है। और ऐसी मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी लड़की होगी जो अपने मायके जाना ना पसंद करे, या फिर उसको अपना मायका जो हो वो पसंद ना हो, ऐसा कोई नहीं होगा दुनिया में। तो बस वही है, माँ नहीं है तो कोई नहीं बुलाता, और आप सब समझ सकती हैं मेरी फीलिंग्स को शायद। और कहने को तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं जो गांव पे रहते हैं, बट वही है कि किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है, और बस शादी हो गई, बस बात ख़त्म हो गई उतने तक ही। तो मुझे लगता है कि अब आप सबके कमेंट का जो जवाब है वो मिल गया होगा, बस इसीलिए मैं नहीं जाती। और मेरे पापा जो हैं वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, मेरे चाचा जो हैं वो बनारस में रहते हैं अपने बच्चों के साथ, तो कोई यहाँ पे किसी को पूछने वाला नहीं है। और अगर मैंने अपने जो बर्थडे वाली वीडियो है उसमें बता रखा है अपनी सब सारी चीज़ें, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखने के बाद शायद आप सब मेरी फीलिंग को समझ सकते हैं। मेरा भी मन करता है मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ जहाँ पर अपना बचपन जिया है, जहाँ पर अपना सब कुछ है, मेरा भी बहुत मन करता है, बट मैं नहीं जाती हूँ, नहीं जा पाती हूँ। ऐसे कैसे अकेले जाऊँ, मुँह उठा के चली जाऊँ जहाँ पे कोई अपना ना हो। कहने के लिए तो बहुत सारे अपने हैं, और सिस्टर लोग जो हैं उनसे मुलाकात हो जाती है मेरी, और कभी कभी हो जाती है जब वो आती हैं, फिर मैं चली जाती हूँ उनके यहाँ। और फादर से मतलब मेरे पापा से मेरी बात हो जाती है, फ़ोन पर बात हो जाती है। और आप समझ सकती हैं कि एक माँ ना हो तो पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया, पूरा सब कुछ अधूरा रहता है, कैसा मायका, कौन सा मायका। तो फिर मैंने कभी नहीं देखा है, मतलब शादी के बाद मैं बहुत कम बार गई हूँ, मैंने कभी वो सारी चीज़ें नहीं फील किया है। मैं समझ
मायके की कमी मुझे हर टाइम पे महसूस होती है, मम्मी की जो कमी है, क्योंकि वहाँ से मैं सबका जब देखती हूँ, जब सब बताते हैं ये आया मेरी मम्मी ने ये दिया, मेरे मायके से ये आया वो आया, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आप सबके साथ शेयर करने के लिए कि ये हुआ वो हुआ, और बस मैं नहीं जा पाती इसी वजह से, बहुत कम जाती हूँ, मुझे एक साल से ज़्यादा हो गए होंगे मैं नहीं जाते। मुझे लगता है कि आप सबके जो इतने चुभने वाले कमेंट होते हैं ना बहुत ज़्यादा, और आज की वीडियो देखने के बाद आप सब ये नहीं पूछेंगे कि आप मायके क्यों नहीं जाते, आपके मायके से कौन कोई क्यों नहीं आता है, मेरे भाई है नहीं, जैसे होता है ना कि चलो कोई नहीं भाभी है तो चलो उनसे मिल लिया, कभी उन्होंने पूछ लिया भले ही कि आ जाओ घूम लो, तुम्हारा भी मन करता होगा, तो बस सिस्टर लोग हैं तो वो यहाँ रहती नहीं है, तो सिस्टर लोग नहीं रहती हैं तो फिर किसके पास जाऊँ, मुझे नहीं। और दादी रहती थी जब गांव पे तो वो कभी कभी फ़ोन पे बोलती थी कि आओ घूम लो, बट वो भी नहीं रहती यहाँ गांव पे, अब नहीं रहती वो भी, दादी जो हैं वो भी अब बनारस रहती हैं, तो फिर नहीं जाना होता मेरा मिलना, मेरे मुझे मतलब सबसे मिले बहुत टाइम हो गया, साल एक डेढ़ दो साल के लगभग हो गया, तो बस यही है मैं भी मिस करती हूँ। ऐसी कौन सी दुनिया की बेटी होगी जो अपना मायका मिस ना करती हो, जो जाना नहीं चाहती हो, बट आप सब समझ सकते हैं। और मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी बट आप सबके इतने सारे मेरे शादी को लेके ऐसे ऐसे कमेंट आप सबके, और फिर मायके को लेके ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना दूँ, आप सबको बता दूँ कि मेरी बस यही मजबूरी है कि मैं नहीं जा पाती हूँ, और ये वीडियो देखने के बाद शायद आगे से आप सब ऐसा कमेंट ना करें और ऐसे आपकी चुभने वाली बातें हो जाती हैं। बस यही है मेरी स्टोरी, मैं नहीं जाती। और तो ये वीडियो बनाते बनाते मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, तो यही बात है, यही रीज़न है कि मम्मी नहीं है तो कोई बुलाने वाला नहीं है, और जब नहीं कोई बुलाता है तो कैसे चले जाएँ। बड़े पापा हैं गाँव पर, जो हमारा मेरा गाँव जो है यहाँ से ससुराल से वो 30 से 35 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यही है कि वो लोग ज़्यादा मतलब नहीं रखते, उनके बड़े पापा और बड़ी मम्मी ही गांव पे रहते हैं, और चाचा हमारे जो है वो बनारस में रहते हैं। मेरी जो सिस्टर हैं वो भी पढ़ाई के सिलसिले में गांव में नहीं रहती, जब वो थी तो कभी कभी मैं जाती थी, ऐसी बात नहीं थी, बट वो भी नहीं है तो कोई गांव पे है नहीं कोई वैसे, और जैसे यहाँ है वैसे वहाँ भी जाके रहना होगा, अगर ऐसा नहीं कि हम मैं चली जाऊँ तो कोई मुझे मना कर देगा, बट वहाँ पे जाके किससे मिलना क्या बात करना, कोई नहीं है। और सिस्टर लोगों से मुलाकात अगर 10 साल हो गए मेरे शादी को, 10 साल से ज़्यादा, और अगर मैं जोड़ के बताऊँ आप सबको तो 6-7 बार ही मैं गई होंगी, मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ, तो मुझे लगता है कि आप सबके सारे कमेंट, इतने सारे लोग जो जानना चाहते हैं कि कोई अभी पापा मेरे आए नहीं हैं छत्तीसगढ़ से, तो इसलिए वो नहीं दिखे आपको कभी भी मेरी वीडियो में, और उनसे फ़ोन से बात जो है वो हो जाती है, तो अभी इतने दूर हैं और कोरोना की वजह से अभी यात्रा करना इतना ज़्यादा सुरक्षित है नहीं, तो वो आ भी नहीं रहे हैं इतनी जल्दी, तो मुलाकात होना पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी अपने मायके वालों को अपने वीडियो में दिखा सकूँ, या मैं खुद जाके यहाँ ब्लॉगिंग कर सकूँ या फिर वहाँ दिखा सकूँ। हाँ अगर कभी भविष्य में जाना हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। कहने को तो कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन अपने तो बहुत हैं, लेकिन वाकई जो अपना होता है उसी को अपना कहते हैं। सो नहीं है कोई, मुझे कोई नहीं बुलाता तो फिर मैं कैसे जाऊं, और आप सब मेरी फीलिंग समझ सकती हैं, और आप सब की इतने कठोर अभी मेरी बेटी भी जग गई, मुझे लगता है कि ऐसे तरह के कमेंट मेरे ही नहीं किसी की भी वीडियो पे आप सबको नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अपने मायके वाले को ना दिखाए या फिर मायके ना जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि नाता रिश्ता टूट गया है, कोई है नहीं। अब आप सबके इतने चुभने वाले कुछ लोगों के कमेंट मुझे आ रहे थे अभी, तो मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए और आप सबके साथ ये चीज़ जो है वो शेयर करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये बातें मेरे लिए, क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद शायद ये कमेंट ना आए, बस वही है कि अगर कुछ पड़ता है जैसे कि कोई बड़ा प्रोग्राम हो वहाँ पे गांव पे तो फिर जाना होता है, वरना ऐसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है वहाँ पे जाना। और बस यही है मेरी स्टोरी, मम्मी नहीं तो कुछ नहीं, माँ से ही मायका होता है, माँ से खुशी होती है, माँ से सब कुछ होता है, अब जब माँ ही नहीं तो कैसा मायका। एक माँ होती है तो वो बुलाती है अपनी बेटी को, वो सब सारी चीज़ें समझती है,
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने अपनी जो स्टोरी है ना वो अपने बर्थडे वाले जो ब्लॉग है उसमें सारा चीज़ शेयर किया। अगर वो आप सबने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकती हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और जो सिलाई के कमेंट आ रहे हैं कि आप सिलाई कब सिखाएंगी, सिलाई कब सिखाएंगी, एक ही दिन में एक वीडियो में मैं क्या क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मैं कोशिश करूँगी कल ही आप सबके लिए एक सिंपल, बहुत ज़्यादा एकदम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग होती है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और परसों है जीवित पुत्री का जीवतिया जिसे हम बोलते हैं। तो मुझसे बहुत से कमेंट आते हैं कि आप बता दिया करिए त्यौहार कौन कौन से आने वाले हैं। तो परसों है, कल जो है वो प्रोग्राम होता है कि हम अच्छा अच्छा बनाते हैं, मतलब अच्छा खाना बनता है और रात को दिया जाता है। जो करती हैं वो जानती होंगी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो।